तो गाइस इस वीडियो में आपको दिखने वाला है कैसे हम लोग ने ऊटी में जाके बस एक दिन का अंदर ऊटी का सब हॉटस्पॉट लोकेशंस हमने एक्सप्लोर किया। एंड तक ज़रूर देखना ये वीडियो और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो। आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना। हम लोग ऊटी पहुँच चुके थे और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊटी लेक। बस यहाँ बोट हाउस में हम लोग घुस चुका है, आप लोग देख सकते हो। और अब सबसे पहला गोल है हमारा खाना, उस तरफ है बोट वाला। कुंभ मेला वेला जैसा लगा है। खाना खाने के लिए निकल चुका है हम लोग बोट हाउस से इस तरफ बाहर। खाना कैसा था फैसल? सही। रिव्यू डाल इसका। सबसे वाहियात होटल ये है, झंड खाना दिया 1400 रुपए का। आप क्या बोलोगे रेस्टोरेंट के बारे में? गंदा, बहुत गंदा रिव्यू। दिमाग मेरा और गर्म हो जाता है। अच्छा, मौसम अच्छा इसलिए ठंडा पानी डालो। खाने का रिव्यू बहुत खराब गाइस, बहुत बेकार है। देखो हम लोग जो है वही बता रहे। क्या बोलते हैं उधर कौन बेच रहा है 50 रुपए का? 50 रुपए सुन के वापस आ गए भाई। भाई मैनमेड है ये। अभी हम जा रहे हैं बोट हाउस। चलो बोट हाउस का हालत देखो, कितने लोग हैं। और यहाँ शायद बड़ा बोट चलने का जगह है। पानी देख लो आप लोग कैसा है, बहुत साफ है। हम लोग तो नहीं जाने वाला है ऑब्वियसली, इतना ओवर प्राइस दे। मैं तो कर चुका, सब लोग मोस्टली इधर कर चुके होंगे। क्राउड देखो भाई, बस क्राउड देखो कितना क्राउडेड है भाई, कितना क्राउडेड है। पूरा सीजन टाइम है। और जा रहे हो उधर, चलो चलो। कौन? फैसल। गाइस आजकल फैसल बदल सा गया, इसका क्या हुआ है आप लोग बताओ क्या हो गया? पहले फैसल मस्ती मजाक करता था, आप फैसल शर्माता है, बोलता है घर वाले देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे। तो नहीं होता है। इस बोट हाउस में बहुत कुछ है, 7D सिनेमा, ये वो, हाँ ये भी है, मिनी ट्रेन। और इसका ट्रैक वो जाता है उधर से। मिनी ट्रेन। चलो अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये देखो क्या इसको। चलो चलो, बोट हाउस हो चुका है, खाना भी हो चुका है, बस होटल में जाना है। वो जो आ रहा है वो एडवर्टाइजमेंट करने आ रहा है, हमें भी रूम चाहिए और उसको भी रूम देना है। हाँ। रूम का रेट क्या है सर? इधर कॉटेज है शायद, ये हमारा रूम है गाइस। पिछले वीडियो में मैंने ज़्यादा ही हाइप डाल दिया, उसके लिए सॉरी। चलो देखते हैं फिर भी कुछ तो है। अरे दिखा, रूम दिखा रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, रात जाएगा लेकिन दो नहीं। हाँ। हम लोग निकल चुके हैं रूम से। बहुत ज्यादा सुंदर रूम, जिसका हाइप मैंने पहले वीडियो में दे दिया। उस रूम में नईम भाई ने बैठने से साफ मना कर दिया। पुलिस पुलिस है, बेल लगा भाई। सर बेल नहीं लगाया सर। नहीं चलान तू ही देगा, बता रहा हूँ। केला खा लो गाइस। हम लोग का होटल भी बहुत सही लोकेशन पे, पास ही है सब। जहाँ कहाँ रहे हम लोग, फ्री चाय मिलेगा ना वहाँ पे। ओ भाई पीछे देखो ऊटी, माशाल्लाह बहुत ऊपर ले आए। अंदर से लॉक कर दिया गया, हमें फ्री चाय नहीं मिलेगा। बंद हो गया गाइस। चलो निकलो निकलो। दोड्डाबेट्टा में हम लोग आए थे लेकिन सुबह जाना है, यहाँ से भी हमारा ताला लग चुका है। इतना ठंड है भाई, हाथ पैर जम रहा है मेरा। सही में यार, थोड़ा सा बाहर रहते हैं ना, ठंड लग रही है मुझे। देख लो भाई, भाई ट्रीट दिया पूरा पूरा खरीद लिया। जो खा रहा है वो ट्रीट थी। हाँ पूरा खाए वीडियो में। साहब बहुत बड़ा शायर है कसम से। तितलियाँ रस पीती है, अरे यार पूरे बदनाम होते हैं। तितलियाँ रस पीती है, पूरे बदनाम होते हैं। क्या बात, क्या बात। लोग शराब पीते हैं, ड्राइवर बदनाम होते हैं। ओ सफाई ऊटी पे लग गए तगड़ा ट्रैफिक जैम। तो कहीं नहीं रहा लास्ट आधे घंटे से हम इधर ही है भाई। खत्म है ऊटी, पार्किंग ही नहीं है। गुड मॉर्निंग। चलो चलो चलो, हम लोग फिर से आ गए इधर गाड़ी पार्क करने। अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने। बहुत ठंडा है गाइस, टेम्परेचर देख लिया जाए 13 डिग्री। यार ये रहा मस्जिद। तो चलो नमाज के बाद मिलते हैं गाइस आपसे। बहुत ठंड है। लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। हमारा वाला मस्जिद बंद था। मस्जिद है ये, बोल देते उनको। ठंडा पानी से किया, पूरा हाथ वाथ सुन हो गया, लेकिन नज़ारा एक नंबर भाई। चाय पीने आ गए हैं लो नवाज। चाय बहुत गर्म है लेकिन हाथ में फील नहीं हो रहा भाई। मैं चाय का फैन नहीं हूँ लेकिन ये वेदर के लिए चाय चाहिए ही चाहिए आपको। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यहाँ पे क्लाउड्स हो रखा है। 11 बजे तक फॉग रहता है, मैंने गूगल पे पढ़ा आज। पर पर्सन 30 रुपीज ले लो। वेलकम टू द पाइन फॉरेस्ट गाइस। तो ये है सामने पाइन फॉरेस्ट। अभी हम लोग जाएंगे अंदर। पाइन फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस आपको मैंने उधर भी दिया था, हम लोग जब ट्रिप पे गए थे उधर भी था। और ये तो ये उससे बहुत अच्छा है क्योंकि अभी बहुत ठंड है और मतलब लोग भी नहीं है। आपने अगर मेरा पाइन फॉरेस्ट वाला पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितने लोग थे भाई उसमें। हम लोग वहां तक जाने वाले हैं, उधर पानी है। ये देखो ना ऊपर क्या प्यारा लग रहा है। माशाअल्लाह। गाइस देखो आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है आपका व्लॉगर। ओह चढ़ गया भाई इधर। ओ भाई लेकिन क्या नजारा है। ओ भाई ब्रेड टेकिंग है भाई। देखो भाई क्या एक्सपीरियंस है इधर, एक नंबर भाई। गाइस आप लोग फील कर पा रहे हो इसको, ये वाइब को। ये मेरे भाई लोग और ये पाइन फॉरेस्ट। सुभान अल्लाह क्या व्यू है गाइस। सुबह सुबह जब कम लोग है, जब सब लोग लेजी होके सो रहे, थोड़ा सा मेहनत करो, फजर पढ़ो, निकल जाओ भाई, बेस्ट है। देखो भाई देखो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा लोकेशन देखने। वो है कि कुछ लोकेशन है कि ऐसे ही। यहाँ का एंट्री कितना है? 30 रुपीज पर पर्सन भाई। 100% वर्थ इट है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गाइस। कम ऑन। ये आपका लेक का दूसरा साइड है। चल रहे हैं अभी वापस पाइकारा फॉल्स जाएंगे आगे वीडियो में। वो मत करो, लास्ट डे है ऊटी में। अब धीरे धीरे इधर लोग आने लगे और भीड़ होने वाला है इधर बहुत। इसका फोटो लो यार, आ रहा है जो। ओ, हो, हो। ये जो आ रहा है सूरज मत लेना, एकदम सिर्फ शैडो लेना, ठीक है। इस सुंदर से जगह को टाटा बाय बाय। यहाँ पे भी हजम हो गया सारा। सुबह सुबह कार्डियो हो गया है गाइस पाइन फॉरेस्ट में हमारा। अभी जा रहे हैं वापस पाइकारा फॉल्स। मेरा तो मानना है कि भाई उधर पानी नहीं होगा अभी क्योंकि विंटर है अभी। देखते हैं देखने में क्या है। अभी और अंदर जाना है हमें, पाइकारा बहुत अंदर है, इसीलिए तो रास्ते में पाइन फॉरेस्ट है। स्पीड चलना, टाइम कम है, लेकिन मोड़ पे स्पीड मत रखना, इज्जत से मोड़ना। वो देखो कोई मैस्कट जा रहा है आगे येलो कलर का। तो अभी हम लोग जा रहा है पाइकारा फॉल्स यहाँ से 14 किलोमीटर से। तो हम लोग अभी आए शूटिंग पॉइंट, वही रास्ते पे आता है क्या है। वैसे यहाँ से आप देख सकते हो और कुछ हाई पीक टाइप है कुछ। गाइस यहाँ पे 30 रुपीज़ एंट्री है पर हेड। चढ़ाई है पूरा, नईम भाई का तो वाट लगने वाला है। वहाँ पे दो बंदर बैठे हैं, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? भाई लोग धूप सेक रहा है बिंदास। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग वो कीड़ा नहीं होता पैरासाइट से सब निकाल रहा है अपने बॉडी से। चलो चलते हैं भाई, ज़्यादा नहीं करेंगे। ओ भैया का व्यू चेक करो आप लोग। बहुत सही व्यू है। शूटिंग पॉइंट है इसका नाम। पूरा ये एरिया का अंदर है, शूटिंग पॉइंट का अंदर पूरा। उस तरफ भी है पूरा, उस तरफ यहाँ भी है। ये देखो ना ये हट कितना प्यारा सा है, छोटा सा। वहाँ से हम लोग आए नीचे से, वहाँ से। चलो भाई इतना ही है ये तो। स्टीप देखो ना पूरा ऐसा नीचे। चलते हैं भाई नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पे अंदर लोग भी रहते हैं, अंदर घर वगैरह भी मैंने देखा है इस कंपाउंड का। अंदर सोचो भाई कितना बढ़िया होता होगा, लेकिन इनको क्या पता इसका कीमती क्या है ना? ऐसा ही होता है। देखो भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रेटफुल हूँ ये सब एक्सपीरियंस के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देख लो ये सब जगह है भाई इस रास्ते पे, इस पर हम लोग जा रहे हो 11 किलोमीटर। ओ भाई हो प्यारा है भाई, इतना सुंदर से। भाई देखते हैं इसका कैसा रिएक्शन रहता है। तो मुंह में घुसा के रखा है कुछ भाई, डायरेक्ट मुंह में घुसा है ऐसे। ऐसा ऐसा क्यों करना है? लेकिन अभी हम लोग पाइकारा के लिए जा रहे हैं शूटिंग से। अभी यहाँ उतरने का है भाई। गाड़ी उतार, गाड़ी उतार, गाड़ी उतार, चढ़ाना है। हाँ आराम से उतार उतार उतार, पकड़ो इसको। अरे तू चढ़ा लेगा ना? हाँ आराम से, बस उतारो उतारो, गाड़ी उतारो। किधर? शूटिंग स्पॉट लिखा है देखो भाई, वो देखो गाड़ी लग गई। क्या बात कर रहे हो? कुछ पता चल रहा है, समझ रहे हो? टिप तो बनता है गाइस। ए भाई नहीं, गाड़ी सही सलामत वापस ले। इसमें कुछ हुआ क्या? थैंकफुली वो है, उधर तक तो जा सकती जहाँ वो गार्ड है ना, गार्ड। हाँ वही वही, नीचे जाना है। नहीं 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 अब घुमा लो। हाँ कैंप लगा सकते हैं यहाँ पे। साइलेंसर पे लगा, साइलेंसर पे लगा। कितना लग रहा है? सीधा जाओ, मोड़ो 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 मोड़ो, रुको मत। एग्जॉस्ट होता है क्या यार फैसल हवाले। ओ भाई गाड़ी बहुत नीचे है। धीरे 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 भाई, थोड़ा धीरे, इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट डर लगेगा ना। एक्सीडेंट का मैं एक्चुअली एक वीडियो देख लिया था, उसमें सारा बता रहा कितने की स्पीड में कितना इम्पैक्ट है। 60 की स्पीड पर अगर लगेगी ना तो बचने के चांसेस हैं, बट 80 और इन सब पे जब लगता है ना बंदा अंदर नहीं बचेगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पीकरा फॉल्स है सामने, 1 किलोमीटर ट्रैकिंग है। वो ऐसा कुछ है इधर, काटने वाला था अभी। निकलो भाई, काटेगा तो वाहिद जैसा हालत हो जाएगा। मैं तो 99% श्योर हूँ भाई पानी नहीं है उधर। देखते हैं भाई सबका रिएक्शन क्या आता है। इधर से बस 300 मीटर नीचे है। बिल्ली से मिला, घोड़ा से मिला, आज के दिन का बात कर रहा हूँ। फिर बंदर से मिला, फिर नईम भाई से मिला। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है कुछ इधर अंदर पाइकारा। ध्यान से देख लो भाई, यहाँ का एंट्री फीस आपको 30 रुपीज़। ओ भाई कितना सुंदर लग रहा है यार। इसी बंदे ने बोला था यहाँ पे वाटरफॉल नहीं है। मैं तो एडिट कर दूंगा भाई, आप बोलो जितना बोलना है। मजा आया। यहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से जा रहा है, नीचे जाएंगे हम लोग। नीचे जाएंगे फिर दिखाएंगे आपको। चलो ये भी अल्लाह का क्रिएशन है ना, क्रिएशन है अल्लाह की। हाँ तो वी शुड प्रेज़ इट। यस यहाँ अंदर अलाउ होना चाहिए था। चलो भाई ये सुंदर सा लोकेशन को टाटा बाय बाय, क्योंकि होटल वालों ने बोला भाई जल्दी आ जाओ। होटल वालों से फ़ोन आ गया है कि निकलना है करके, टाइम नहीं जल्दी निकलते, हमें भी जल्दी निकलना है। देखो दिन होते ही बहुत सारे लोग आ जाए, इसलिए जल्दी जल्दी निकला करो, जल्दी एक्सप्लोर करो, खाली भी रहेगा। सुबह सुबह आओ हर लोकेशन के लिए। पाइन फॉरेस्ट का आपने देखा क्या बढ़िया था, सांस चढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, भागने का जगह देख रहा। शाम तक ठीक है, मुझे फोन आएंगे घर से। अभी हम लोग जा रहे हैं टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री। कल हम लोग आए थे फ्री चाय पीने, हमें चाय पीने नहीं मिला था, आज शायद मिलेगा। क्रेजी क्रेजी व्यू। इधर से अंदर जाते हैं म्यूजियम, हम लोग देखने जा रहे हैं चाय। चलो चलते हैं अंदर, एंट्री वगैरह होगा, प्रोसेस वगैरह दिखाएंगे। टेक्नोलॉजी जब आएगा भाई, चाय की स्मेल भी आप रिकॉर्डिंग में सुन सकोगे, और जिसको पढ़ना है भाई जूम करके पढ़ लेना। चाय नॉर्थ ईस्ट आसाम। ये देखो यहाँ प्रोसेसिंग वगैरह होता है, ये यहाँ का ही पत्ता है। अच्छा यहाँ से जाके नीचे जाता है कुछ, इसका पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग भी नीचे गिरेंगे, वही हमारा मेन चीज। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है यहाँ पे, छोटा छोटा रिफाइन करके ये पैकेट में जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो हो रहा है पैकेट में जाने के पूरा उसको बोलता है गुगी, वो जो लिखा है उधर इस पे जाता है और कैमरा को डाल दे उसमें कुछ भी। पूरा ड्राई किया जा रहा है इस वक्त चाय को। ये है आपका फर्मेंटिंग फ्लोर, ये जो सामने आपको दिख रहा है फ्लोर किया जा रहा है, छान रहे हैं साइज के साथ। ओ भाई पूरा रेडी हो गया उधर, पैकेट वाइज इधर तैयार हो रहा है, वहाँ पे देख सकते हो आप अकॉर्डिंगली उसके टाइप्स ऑफ टी देखो। फैसल अभी चाय मिलेगा, चाय खुश है कि नहीं भाई? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फ्री सैंपल टी का आ गया भाई। ओ बहुत अच्छा है, कैसा है? नहीं भाई बोल रहा है फ्री चाय तो अच्छी होगी, लेकिन यूजुअली ऐसे अच्छा है। लेकिन मतलब 10 रुपये एंट्री है इसका, और इसमें आपको सब दिखेगा। वहाँ उनका दुकान भी है, पूरा बेच रहा है ये सब अलग अलग मसाला अलग। नॉर्मल है, बाहर से सस्ता है, हाँ। तो भाई अब अगला है चॉकलेट फैक्ट्री, उधर देख सकते हो आप, और वहाँ भी सैंपल मिलेगा। और क्या चाहिए भाई? ऑथेंटिक फैक्ट्री जैसा फैक्ट्री किधर है भाई? रॉ मटेरियल डाला जा रहा है बस, इधर और उधर खाने को काम मिलेगा। वहाँ पे अच्छा बेच भी रहा है, बचपन से इतना सारा चॉकलेट है देख लो भाई। लेकिन अफसोस इधर सैंपल नहीं है। कितने तरह के चॉकलेट्स हैं, पूरा चॉकलेट। जब से देखा जाए तो एक्चुअली बहुत चीप है। आप लोग डायरी में खरीदते हो कितना 50-60 ग्राम का मिलता है, उतना ही मिलता है शायद। 80 ग्राम्स का मोस्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको प्योरली मिलेगा, प्योर चॉकलेट दोस्त आलमंड्स के साथ देख रहे हो, सस्ता है मेरे हिसाब से। चलो लास्ट ये भी दिखाई देते आपको, तो ये है आपका दोड्डाबेट्टा पीक, जो सबसे पास ऊटी से पीक है, वो भी बचा हुआ था भाई। हमने पूरा ऊटी घूम लिया भाई, कुछ नहीं बचा ऊटी में, बस खत्म कर दिया ऊटी को 24 घंटे के अंदर। तो अभी जाते हैं दिखा। कल मतलब क्या हुआ था, बंद हो गया था और हम लोग दिखा नहीं पाए। ऑटो रिक्शा का 30, कार एंड जीप का 40। देखो भाई पूरा पीछे तक खतरनाक, आगे भी जा। पार्किंग दिखाओ यहाँ पे क्या हालत हो रही है। देखो भाई वो बस वाला उधर रुका हुआ है, पूरा पीछे गाड़ी है, पूरा गाड़ी। बाइकर के लिए सबसे आराम है भाई, कहीं भी बाइक घुसा दो, पूरा केओस भाई, पूरा केओस। तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ बेच रहे हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें पीक देखने जाना है। इधर से बोल रहा है कि 5 मिनट्स वॉक है। अनऑथोराइज कैमराज विल बी फाइन 500। एंट्रेंस फी 10 रुपये बस, मैं फोन से करूंगा वीडियो। चलो जल्दी ले लो टिकट। ऐसा ही कुछ है सीन, आगे चल के दिखाते हैं। का हाईएस्ट पीक है ऊटी में, आप देख सकते हो, बाकी सब पार्ट छोटे छोटे हैं। लेट हो रहा है, चलो उसको बोलो मत आए। यहाँ से आपको व्यू दिखाया है और बाकी दूसरा दिखाता हूँ आपको उधर से। उन गिरा दूंगा तेरा हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा ड्यूटी बाय। अरे जोर से थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार, जा रहे हो अभी। 3, 2, 1 बाय बाय बाय। सबको बच्चा बना दिया मैंने, देख लो। इसी के साथ हमारा ये ट्रिप खत्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जगह को बाय करने का टाइम आ गया, ऊटी को। अंटिल नेक्स्ट टाइम। और आपको ये अच्छा लगा आप लोग जरूर बताना। चलो गाइस टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।